हेलो एवरीवन माय नेम इज़ आकांक्षा विश्नोई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकांक्षा होप यू ऑल आर वेल सो गाइस आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं तो आप पहले वो वीडियोस ज़रूर देखें तभी आप यहाँ पर ये टॉपिक अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो पाएगा आज हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम दो टाइप से चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट इज़ जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई सेट टू हिम कैन यू टेल मी वॉट द टाइम इज यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आई है और सेकेंड टाइप क्या है जहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं लाइक वाई वॉट वेयर इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स तो इसके क्या रूल्स हैं जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं सेट टू हमारा चेंज हो जाता है आस्क में जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं है, वो चेंज होता है हमारा सेट टू टोल्ड में बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेट टू आस्क या फिर इंक्वायर ऑफ में चेंज होगा उसी तरीके से जो हमारी जो कंजंक्शन जुड़ेगा सेंटेंस दोनों आपस में जुड़ेंगे वो होगा इफ़ या फिर वेदर जबकि असर्टिव सेंटेंस में जो हमारे दोनों सेंटेंस जुड़ते हैं आपस में वो किससे जुड़ते हैं देट से तो चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस बना आई सेट टू हिम कैन यू टेल मी वॉट द टाइम इज लास्ट में क्वेश्चन मार्क जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस तो जो इनडायरेक्ट होगा उसमें कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा बल्कि वो नॉर्मल सिंपल फुल स्टॉप रहेगा वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको तो देखिए आई सेट टू हिम इसकी जगह हो गया आई आस्क हिम कैन यू टेल मी वॉट द टाइम इज तो आई आस्क हिम इफ ही कूड टेल मी वॉट द टाइम वॉज इससे यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस हमारे कनेक्ट हो चुके हैं इफ ही कूड टेल मी वॉट द टाइम वॉज तो ये इसके रूल होते हैं इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करेंगे किसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को अब आता है सेकेंड टाइप सोनिया सेट टू मी वाई डू यू लाफ तो यहां पे देख सकते हैं आप कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है स्टार्टिंग में बल्कि वाई आया है डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड तो इसे कैसे चेंज करेंगे हम सोनिया सेट टू मी ये हो गया सोनिया आस्ट मी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर का यूज होता है जबकि अगर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है तो कोई भी यहाँ पे कंजंक्शन नहीं लगेगा बल्कि जो ये वर्ड है इसी से ही दोनों सेंटेंस हम आपस में जोड़ देंगे सोनिया आस्क मी वाई आई लाव्ट सोनिया सेट टू मी वाई डू यू लाफ सोनिया ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों हंसे उसी तरीके से जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे सोनिया आस्ट मी सोनिया ने मुझसे पूछा भाई आई लाफ्ट मैं क्यों हंसा तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए अपनी होप गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सो गाइज अब देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि विस्म बोधक शब्द या फिर वाक्य देखिए डायरेक्ट आई सेट टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी जहाँ पर भी सेंटेंस में पता चलता है कि कोई रिक्वेस्ट की जा रही है कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो होते हैं हमारे इम्पेटिव सेंटेंसेस आई सेट टू माई फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी यहाँ पर पता चल रहा है कि वो अपनी फ्रेंड से मदद मांग रहा है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है तो आई सेट टू माई फ्रेंड सेट टू किस में चेंज हो जाएगा हमारा रिक्वेस्टेड क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें पता चल रहा है कि वो उससे हेल्प मांग रहा है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी किसी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं होगा बल्कि जो हमारी वर्ब है उससे पहले टू आ जाएगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है इम्परेटिव सेंटेंस बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी इस तरीके से आपको बनाना है एंड गाइज इन दोनों टॉपिक्स की मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना रखी हैं तो वो आप ज़रूर चेक करें तभी आप पूरा डीप समझ पाएंगे अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सो देखिए द बॉय सेड हाउ क्लेवर आई एम इसे इनडायरेक्ट बनाते समय द बॉय एक्सक्लेम्ड जो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो होगी एक्सक्लेम्ड द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर यहाँ पे कंजंक्शन आ जाएगा हमारा दैट द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेयर और यहाँ पर कोई भी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा सिर्फ फुल स्टॉप आएगा इस तरीके से हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सो गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक शब्द इन सेंटेंसेस की पहचान है कि इसमें ईश्वर से प्रार्थना या फिर भविष्य के लिए शुभकामना इस तरीके के ये सेंटेंस होते हैं चलिए देखते हैं अपना सेंटेंस शी सेट मे गॉड ब्लेस यू देख सकते हैं आप यहाँ उसने उसके लिए प्रेयर की है शी सेट मे गॉड ब्लेस यू तो इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो आ जाएगी यहाँ पे प्रेड प्रेड या फिर विष्ट ये होती हैं इन सेंटेंसेस की रिपोर्टिंग वर्ब शी प्रेड एंड कंजंक्शन जुड़ जाएगा हमारा दैट। शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम मे की जगह आ जाएगा माइट गॉड माइट ब्लेस हिम तो इस तरीके से हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स चलिए गाइज़ मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू सो मच